हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे जो भारत का मंत्रिमंडल है उसके बारे में। बहुत ज़्यादा यहाँ से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो उसी को ध्यान में रखते ये वीडियो मैंने बनाया आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो मेरे दोस्त नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा लो, जिससे कि ऐसे ही आगे की हर वीडियो की अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन सहित मिलती रहेगी। तो सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पर, तो जो यहाँ पे नरेंद्र मोदी है, या फिर पूरा नाम बात करें तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो इधर तो ये मंत्रियों के नाम है, और इधर मैं मंत्रियों के जो पद है उनके नाम बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले ये इनका जो पद है वो प्रधानमंत्री कार्मिक जन शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष, सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे व किसी अन्य मंत्री को आवंटित न किए गए अन्य सभी मंत्रालय इनके पास रहते हैं दोस्तों। तो ये था इनका प्रधानमंत्री का पद। बात करते हैं नेक्स्ट गृह मंत्री। तो जो गृह मंत्री है वर्तमान में वो है राजनाथ सिंह। नेक्स्ट अगर बात करें विदेश मंत्री की, तो विदेश मंत्री है सुषमा स्वराज। नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों वित्त और कॉर्पोरेट मामले मंत्री, या फिर वित्त मंत्री भी कह सकते हैं आप, तो वो है अरुण जेटली। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें सड़क परिवहन, राजमार्ग, जहाजरानी और जल संसाधन, या फिर नदी विकास, गंगा पुनरुद्धार मंत्री, तो ये सारे मंत्री के जो पद है वो है नितिन गडकरी के पास। नेक्स्ट यहाँ पे है कि जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की अगर बात करें तो वो इस टाइम पे हैं सुरेश प्रभु। रक्षा मंत्री की बात करें तो निर्मला सीतारमण है अभी। और रेल व कोयला मंत्री की अगर बात करें तो पीयूष गोयल है अभी दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो सांख्यिकी वही योजना क्रियान्वयन मंत्री है वो है सदानंद गौड़ा। और पेयजल और स्वच्छता मंत्री अगर बात करें तो वो है उमा भारती। नेक्स्ट यहाँ पे है उपभोक्ता मामले खाद्य व जन वितरण मंत्री अगर बात करें तो ये पद है रामविलास पासवान के पास। नेक्स्ट यहाँ पे महिला व बाल कल्याण विकास मंत्री, तो ये है मेनका गांधी के पास। नेक्स्ट रसायन उर्वरक और संसदीय कार्य मंत्री की अगर बात करें तो ये है अनंत कुमार के पास। नेक्स्ट अगर पद की बात करें कानून व न्याय, इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, तो ये मंत्री जो है वो है रविशंकर प्रसाद। नेक्स्ट यहाँ पे है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जो है अभी वो है जेपी नड्डा। नेक्स्ट यहाँ पे है नागरिक उड्डयन मंत्री जो है अभी वो है अशोक गजपति राजू। नेक्स्ट यहाँ पे है भारी उद्योग व सार्वजनिक उपक्रम मंत्री, तो वो है अनंत गीते। अगर बात करें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री की, तो वो है हरसिमरत कौर जो पंजाब की है वो। नेक्स्ट यहाँ पे है ग्रामीण विकास, पंचायत राज व खनन मंत्री जो है वो है नरेंद्र सिंह तोमर। अगर बात करें इस्पात मंत्री की, तो वो है दोस्तों चौधरी वीरेंद्र सिंह। अगर जनजातीय मामले मंत्री को देखें तो वो है जो जुएल उराव है, वो जनजातीय मामले मंत्री है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें कृषि व किसान कल्याण मंत्री की, तो वो है राधा मोहन सिंह। अगर बात करें हम सामाजिक व न्याय अधिकारिता मंत्री की, तो जो थावरचंद गहलोत है वो उनके पास ये पद है। नेक्स्ट सूचना प्रसारण व कपड़ा मंत्री है स्मृति ईरानी। अगर बात करें विज्ञान तकनीकी वन पर्यावरण पृथ्वी विज्ञान व जलवायु परिवर्तन मंत्री, तो वह है डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मानव संसाधन विकास मंत्री या फिर शिक्षा मंत्री, तो वह है प्रकाश जावड़ेकर। नेक्स्ट अगर बात करते हैं पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कौशल विकास उद्यमिता मंत्री की बात करें, तो वो है धर्मेंद्र प्रधान। अल्पसंख्यक मामले मंत्री जो है वो है मुख्तार अब्बास नकवी। तो दोस्तों ये थे पूरा जो कैबिनेट मंडल है हमारा प्रेजेंट का, वो मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट है आपको, तो मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं दोस्तों। अभी के इस वीडियो में इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जल्दी लौटूंगा एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।